गुजरात गौरव अभियान ना शुभ अवसर पर माननीय वडाप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी ना वरद हस्ते तमज माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल नी प्रेरक उपस्थिति मा वलसाड, नवसारी, सूरत, तापी अने डांग जिल्ला मा थई रह्यु छे रूपया 650 करोड़ ना विकास कार्यो नु खातमुहूर्त, रूपया 900 करोड़ थी वधु ना विकास कार्यो नु लोकार्पण तमज रूपया 1500 करोड़ थी वधु ना कार्यो नु भूमिपूजन, एटले के आ पांच जिल्ला ने मळशे रूपया 3050 करोड़ थी वधु ना प्रकल्पो नी भेट। गुजरात गौरव अभियान विकास नी अविरत वहती धारा नु स्नेह मिलन। गुजरात नी आ धरती छेल्ला बे दायका मा विकास ना अभूतपूर्व सूर्योदय नी साक्षी रही चुकी छे। एक समय अहीं वीजळी, पाणी, आरोग्य अने शिक्षण जेवी प्राथमिक सगवड़ो माटे अपार हाडमारीओ हती, परंतु आजे झूपड़ाओ बन्या पाकी छत वाला मकान, घरे घरे पहुंच्यू नळ थी जळ, नवी शाळाओ, नवी कॉलेजो, नवा रस्ताओ अने रोजगारनी नवी तको पण घर आंगणे मळी। अने छेल्ला दोढ दायकामां आदिवासी विस्तारोमां रूपया 1,00,000 करोड़थी वधु रकमना विकास कार्यो थया। शाळाओनो ड्रॉपआउट रेट घट्यो अने आदिवासी बाळको पण डॉक्टरो ने इंजीनियर बनवा लाग्या। એટલું જ નહીં, શાળાઓ પણ સ્માર્ટ બની। શાળાઓમાં 25,000થી વધુ નવા ક્લાસરૂમનું બાંધકામ થયું। આજે અહીં આર્ટ્સ, સાયન્સ અને કોમર્સની 45 કોલેજો છે। 8,000થી વધુ પ્રાથમિક શાળાઓ, 1,000થી વધુ માધ્યમિક શાળાઓ, 500થી વધુ ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓ છે। અહીં વૈશ્વિક કક્ષાનું ઉચ્ચ શિક્ષણ આપતી યુનિવર્સિટી પણ બની છે। 8,00,000થી વધુ બાળકોને દૂધ સંજીવની યોજના થકી પોષણ મળે છે। નવા સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રો અને પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રો બની ચૂક્યા છે। કૌશલ્ય વર્ધન કેન્દ્રો, વોકેશનલ ટ્રેનિંગ, રોજગાર મેળા અને આઈટીઆઈ જેવી પહેલ થકી આદિવાસી યુવાનો આત્મનિર્ભર બનવા લાગ્યા। 60,000થી વધુ હેક્ટર જમીનમાં 91,000થી વધુ આદિવાસીઓને જંગલ જમીનના અધિકાર મળ્યા। ખેતરો સુધી સિંચાઈની સુવિધાઓ પહોંચી। આજે આખો એ દેશ ગર્વ લઈ શકે તેવી ઉપલબ્ધિ ડાંગ જિલ્લાએ મેળવી। આપણો ડાંગ જિલ્લો ગુજરાતનો પ્રથમ 100% પ્રાકૃતિક ખેતી કરતો જિલ્લો બન્યો છે। સાથે જ આદિવાસી વિસ્તારોમાં 6,00,000થી વધુ આવાસોનું નિર્માણ થયું। 5,00,000થી વધુ ઘરો સુધી નળ અને જળ પહોંચ્યા। 5,000થી વધુ ગામોમાં વીજળી પહોંચી। ગામે ગામ પાકા રસ્તાઓ બન્યા। પણ આપણે હજુ આટલેથી અટકવાનું નથી। એટલે જ તો આવનારા 5 વર્ષમાં બીજા 1,00,000 કરોડના વિકાસ કાર્યો આદિવાસીઓની આવનારી પેઢીને એક નવું જ સગવડ ભર્યું જીવન આપશે। 10,00,000 પરિવારોને પાણી, સિંચાઈ, રસ્તાઓ, વીજળી અને શિક્ષણ જેવી મૂળભૂત સુવિધાઓ સાથે રોજગાર સૃજન, આર્થિક વિકાસ અને સામાજિક સમરસતાનો લાભ। અને વાત જ્યારે ગુજરાતની હોય, એના ગૌરવની હોય, ત્યારે રજ રજમાં હીરાની ચમક હોય, ડેવલપમેન્ટની ગતિ બુલેટ ટ્રેન જેવી હોય, રસ્તાઓ પર જિંદગી પૂરપાટ દોડતી હોય, નર્મદાનું નીર ઘરે ઘરે પહોંચીને તરસ છિપાવતું હોય, આરોગ્ય એક કોલમાં ઘર સુધી આવતું હોય, શિક્ષણ એક ક્લિકથી મળતું હોય, ત્યારે જ કહેવાય સર્વાંગી અને સર્વસમાવેશક વિકાસ। અને આવા જ સહિયારા પ્રયાસોથી જ આગળ વધશે ગુજરાતની આ ગૌરવ ગાથા। જન જનના સર્વાંગી વિકાસનું અભિયાન એટલે ગુજરાત ગૌરવ અભિયાન। ખૂબ ખૂબ આભાર પ્રધાનમંત્રીશ્રી। સર્વસમાવેશી વિકાસના જ્વલંત ઉદાહરણ સમાન એસ્ટોલ જૂથ પાણી પુરવઠા યોજના એ પ્રધાનમંત્રીશ્રીની દૂરંદેશિતા અને ત્વરિત અમલીકરણનું જ સુફળ છે। આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ વર્ષ 2018માં જેનું ખાતમુહૂર્ત કર્યું હતું તે યોજના આજે લોકાર્પિત થઈ છે। આવો નિહાળીએ આ અંગેની એક ટૂંકી ફિલ્મ। अगस्त 2018 को गुजरात के वलसाड़ जिले में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की एक महत्वपूर्ण घोषणा, एस्टॉल क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजना। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें थी ढेरों चुनौतियां,
45 डिग्री तक ढलान वाली सैकड़ों पहाड़ियां, बहुत सारे पड़ाव और अनगिनत मोड़। लेकिन सभी रुकावटों को पार कर ये प्रोजेक्ट बन गया है भारत का बेहतरीन इंजीनियरिंग मार्वल। वलसाड़ जिले के धर्मपुर और कपराड़ा, जो साल में 125 इंच बारिश होने के बावजूद पीने के पानी की दृष्टि से देश के सूखाग्रस्त क्षेत्र थे, गर्मियों में टैंकर से पानी पहुंचाना आम बात बन गई थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कैसे सहन कर लेते कि आदिवासी इलाकों तक सुविधाएं ना पहुंचे, इसीलिए उन्होंने शुरू की एस्टॉल क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजना। सबसे ऊपर जहां पानी पहुंचने वाला है वह 200 मंजिले मकान की ऊंचाई पे जितना पानी पहुंचाते हैं इतना पानी ऊपर ले जाएंगे, यानी एक प्रकार से नदी 200 मंजिला ऊंचाई पर ले जाएंगे और वहां से पानी नीचे लोगों को पहुंचेगा। ये टेक्नोलॉजी का मिरेकल है। मैं समझता हूं ये भी एक अजूबा बन जाएगा कि एक गांव ऊपर 200-300 घरों की बस्ती, लेकिन इनको पानी पहुंचाने के लिए एक संवेदनशील सरकार 200 मंजिला तक पानी को ऊपर ले जाए। हर नागरिक के प्रति हमारी भक्ति कितनी है इसका ये जीता जागता उदाहरण। इस योजना का प्रमुख जल स्रोत बना मधुबन डैम। अपनी तरह की अनोखी परियोजना जो ऊंचाई वाले एक नहीं बहुत से गांवों में पानी पहुंचाने के लिए तैयार हुई और 54 मीटर से पानी उठाकर 614 मीटर यानी कि 1837 फीट की ऊंचाई तक पानी पहुंचाना शुरू हुआ। इस योजना के तहत कपराड़ा के 124 गांव, धर्मपुर के 50 गांव और 1028 छोटी बस्तियों के 4.5 लाख लोगों तक दैनिक 7,50,00,000 लीटर पानी पहुंचाया गया। इस योजना के तहत पानी का सफर कुछ यूं होता है। पानी इंटेक होता है समुद्र से 54 मीटर ऊंचाई से, जो 495 मीटर ऊंचाई वाले निलोसी तक पहुंचता है। निलोसी से रोहियाल जंगल में 122 मीटर पर नीचे उतर के लोगों की प्यास बुझाता है। अब निलोसी से अन्य दिशा में सरवर टाटी में 165 मीटर नीचे आकर साहुडा में 370 मीटर ऊपर चढ़ता है। बिलिया में फिर से 138 मीटर नीचे आकर पिपल सेट तक 479 मीटर ऊपर चढ़ता है। निलोसी से चौशाला में 540 मीटर के शीर्ष को नापकर वावोर के 614 मीटर की ऊंचाई पर रहे शिखर को छूता है। यहां चौशाला से अन्य शाखा पार नदी में 116 मीटर के बेज को स्पर्श करती है, जहां से सिंगरमल में 576 मीटर पहुंचकर पुनः पार नदी के 159.35 मीटर बेज को छूते हुए समरसिंगी में 528 मीटर की बुलंदियों को छूता है। यानी कि ऊपर नीचे जंगल और पर्वत श्रृंखलाओं से 1202 जगहों पर पहुंच रहा पानी मानो रोलर कोस्टर में राइड ले रहा है। इस तरह अनगिनत चुनौतियों को पार कर आजादी के इतने वर्षों बाद पहली बार इस क्षेत्र में नल से जल पहुंचा, घर घर दमन गंगा पहुंची। डबल इंजन की सरकार होने का फायदा क्या होता है, इसका उदाहरण है करीब 590 करोड़ रुपए की लागत से पूरी हुई ये परियोजना, जिसमें केंद्र सरकार के दिशा निर्देश और राज्य सरकार के अमलीकरण की सहभागिता ने इस क्षेत्र के 100% लोगों तक नल से जल पहुंचाने का संकल्प साकार कर दिखाया। आज इस योजना को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में किया है देश को समर्पित। एस्टॉल क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजना, नामुमकिन हुआ है मुमकिन।